दोस्तों किसी भी बॉलीवुड मूवी के ट्रेलर पर लाइक्स और डिसलाइक्स इस बात को दर्शाते हैं कि इस ट्रेलर को कितना ज्यादा पसंद और कितना नापसंद किया जा रहा है। और दोस्तों जब से सुशांत सिंह राजपूत सर की डेथ हुई है तब से लाइक्स और डिसलाइक्स की माने और भी ज्यादा बढ़ गई है। यूट्यूब पे कई ऐसी बॉलीवुड मूवीज के ट्रेलर हैं जिन्हें 10 मिलियन से भी ऊपर लाइक्स दिए गए हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिसके चलते आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड के 10 ऐसे ट्रेलर्स की बात करेंगे जिन्हें यूट्यूब पर सबसे ज्यादा लाइक्स दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और नजर डालते हैं बॉलीवुड के टॉप 10 मूवी ट्रेलर्स पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस लिस्ट में जो टॉप पर दो ट्रेलर्स हैं उन्होंने तो सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर 10 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स गेन किए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, गुड न्यूज। गुड न्यूज मूवी में बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया था और ये मूवी अक्षय कुमार की नॉर्मल मूवी से थोड़ी हटके और अलग थी। गुड न्यूज को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया था और राज मेहता ने डायरेक्ट किया था। अक्षय कुमार के साथ साथ कियारा आडवाणी, करीना कपूर और दिलजीत दोसांझ ने भी इस फिल्म में लीड रोल प्ले किया था। गुड न्यूज मूवी के ट्रेलर को करीब 87 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 1.4 मिलियन लाइक्स हैं, जिसके चलते ये 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक किए जाने वाला बॉलीवुड मूवी ट्रेलर है। और इस मूवी को 60 करोड़ की बजट में बनाया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 320 करोड़ रुपए की कलेक्शन की थी। नंबर 9, छपाक। दोस्तों छपाक मूवी की कहानी काफी स्पेशल है क्योंकि इस मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन हकीकत के साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी अग्रवाल नाम के एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं जिन्होंने 15 साल की उम्र में एसिड अटैक को फेस किया था और वो भी सिर्फ एक छोटी सी ना बोलने के लिए। और लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी के ऊपर छपाक मूवी बनाई गई है। फिल्म में दीपिका पादुकोण ने लीड रोल प्ले किया है और फिल्म में इनके कैरेक्टर का नाम है मालती, जो कि लक्ष्मी अग्रवाल का रोल प्ले कर रही है। छपाक को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया था और इस मूवी को दीपिका पादुकोण ने प्रोड्यूस किया था। और छपाक मूवी के ट्रेलर को करीब 50 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 1.5 मिलियन लाइक्स हैं, जिसके चलते ये यूट्यूब पर 9वें नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर है। नंबर 8, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी मूवी जब रिलीज होगी तब इस मूवी में आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सुपर कॉप नजर आने वाले हैं, जिसमें सिंघम और सिम्बा के बाद अब सूर्यवंशी की भी एंट्री होने वाली है। इस मूवी में फर्क इतना सा है कि सिम्बा और सिंघम की लड़ाई थोड़ी सी पर्सनल थी, लेकिन सूर्यवंशी की जंग काफी इंटरनेशनल होने वाली है। वहीं अगर बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो इस मूवी को बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म को 135 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया है। सूर्यवंशी मूवी के ट्रेलर को करीब 79 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 1.7 मिलियन लाइक्स हैं। अब तक इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन कोरोना वायरस सिचुएशन के कारण लगता है कि ये मूवी नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होगी। और सूर्यवंशी मूवी का ट्रेलर 8वें नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला बॉलीवुड मूवी का ट्रेलर है। नंबर 7, दबंग 3। बॉलीवुड में अगर एक ऐसे एक्टर की बात करें जिनकी फिल्में पहले ही दिन थिएटर के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगा देती हैं, तो उस लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे ऊपर आता है। दबंग 3 2019 की ब्लॉकबस्टर हिट मूवीज में से एक थी, जो कि 105 करोड़ रुपए की बजट में बनाई गई थी और वहीं इस फिल्म ने 230 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी रिलीज किया गया था और फिल्म में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने विलेन का रोल प्ले किया था, जो कि अपना जी जान लगा देते हैं सलमान खान की जिंदगी को बर्बाद करने में। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रभु देवा और प्रोड्यूसर थे सलमान खान। दबंग 3 के ट्रेलर को करीब 67 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 1.7 मिलियन लाइक्स हैं। नंबर 6, वॉर। वॉर बॉलीवुड की इकलौती ऐसी मूवी थी जिसको देखने के बाद बॉलीवुड के चाहने वालों को एक उम्मीद मिली है कि बॉलीवुड भी अब एक्शन में हॉलीवुड को टक्कर दे सकता है। और बॉलीवुड में जब एक्शन की बात होती है तो ऋतिक रोशन का नाम उस लिस्ट में काफी ऊपर आता है। वॉर मूवी को सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया था और इसे आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को 150 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया था। और अगर बात करें इसके ट्रेलर की तो इसके ट्रेलर को अब तक 120 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं 1.7 मिलियन लाइक्स के साथ, जिसके चलते ये ट्रेलर यूट्यूब पर छठे नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला ट्रेलर है। नंबर 5, हाउसफुल 4।
2019 में रिलीज होने वाली फिल्म हाउसफुल 4 से लोगों को बेहद उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई इस फिल्म ने ऑडियंस के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े ने लीड रोल प्ले किया था और फिल्म की कहानी तीन कपल्स के ऊपर बनाई गई है जो 600 साल के बाद पुनर्जन्म लेकर पैदा हुए हैं और अपने अधूरे प्यार को पूरा करना चाहते हैं। और इस फिल्म को 80 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और अगर बात करें इसके ट्रेलर की तो इसके ट्रेलर को अब तक 108 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं 1.8 मिलियन लाइक्स के साथ, जिसके चलते ये ट्रेलर यूट्यूब पर 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला ट्रेलर है। नंबर 4, बागी 3। दोस्तों बागी 3 फिल्म को बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों में जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक लौती ऐसी फिल्म थी जिसे देखने के बाद लोगों का बॉलीवुड से विश्वास उठ गया था। बागी 3 की कहानी दो भाइयों के बीच में है, जिनमें से एक है विक्रम, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर होने के बाद भी काफी सीधे साधे भोले भाले बच्चे हैं, जिनको जमाने की समझ बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरा भाई रॉनी इसका ठीक उल्टा है और मारपीट के मामले में रॉनी को दुश्मन तो क्या साइंस भी इन्हें नहीं रोक सकती। रॉनी के पास जिंदगी में सिर्फ दो ही काम है, पहला बॉडी बनाना और दूसरा उस बॉडी का इस्तेमाल करके अपने भाई की जिंदगी बचाना। फिल्म में टाइगर श्रॉफ, रितेश देशमुख और श्रद्धा कपूर ने लीड रोल प्ले किया है। और अगर बात करें इस फिल्म की बजट की तो इस फिल्म को 90 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया है और वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 140 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। बागी 3 मूवी के ट्रेलर को करीब 106 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 1.8 मिलियन लाइक्स हैं। नंबर 3, जीरो। फिल्म जीरो में शाहरुख खान मार्स पर जाने की तैयारी में होते हैं और फिल्म की कहानी बवा सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि शरीर से बौना है लेकिन खुद को किसी से कम नहीं समझता। फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा ने लीड रोल प्ले किया था और इस फिल्म को गौरी खान ने प्रोड्यूस और आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की बजट की तो इस फिल्म को 200 करोड़ रुपए की बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 191 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। जीरो मूवी के ट्रेलर को करीब 121 मिलियन व्यूज मिले हैं और इसके ट्रेलर पर 2 मिलियन लाइक्स हैं। नंबर 1, दिल बेचारा। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही इमोशंस की सुनामी आ जाती है और वे फाइनली हमारी जिंदगी में दोबारा कदम रखने वाले हैं 24 जुलाई को। आपको बता दें कि दिल बेचारा किसी भी मूवी की कॉपी नहीं है। इनफैक्ट हॉलीवुड में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द फॉल्ट इन आवर स्टार्स और इस मूवी के मेकर से राइट्स खरीदे गए हैं, फिर दिल बेचारा फिल्म को बनाया गया है। फिल्म की कहानी एक अतरंगी कपल की है जिसमें दो इंसान सेकंड लड़ाई लड़ते लड़ते प्यार में पड़ जाते हैं। फिल्म की कहानी जिंदगी और प्यार के बीच में एक रेसिंग कंपटीशन के इर्द गिर्द लिखी गई है, जिसमें किसकी जीत होगी और किसकी हार उसका फैसला तो मूवी देखने के बाद ही होगा। और अगर बात करें दिल बेचारा के ट्रेलर की तो इसके ट्रेलर को अब तक 71 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं 10 मिलियन लाइक्स के साथ, जिसके चलते ये ट्रेलर यूट्यूब पर अब तक का सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाला ट्रेलर बन चुका है पूरी दुनिया में। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.